डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मालूम है कि अभी हम लोग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी पॉम्प जो मैकेनिकल वाले को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके हम लोग आए हुए हैं, और इसमें हम लोग प्रीवियस में जो भी एग्जाम हुए उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है। आज हम लोग फॉर्म के लगभग 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो SBT ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछ रखा है, कभी ना कभी पिछले सेमेस्टर में पूछा है। कल हम लोग जो 2022 में पहली बार जो न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ तो उसके क्वेश्चन को भी एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो हम 50 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं ना, वो SBT ने जब से लगभग 2015-16 के बाद मेरे पास जो भी क्वेश्चन थे उसके आधार पर बनाए हैं, उन्होंने जो पूछा है वही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। पूरे के पूरे आप लगभग 50 क्वेश्चन के एनालिसिस देखिएगा, 40 से 50 क्वेश्चन होगा, हम लोग आधे घंटे में पूरे वीडियो को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या है, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को लाएंगे। ऑपरेशन जनरेटेड फोरकास्ट ऑप्टेन नॉट टू डू विथ, यानी जो ऑपरेशन बनाना है फोरकास्टिंग। देखिए आपके इस पूरे चैप्टर में यानी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर 5-6 टॉपिक है। एक फोरकास्टिंग है, एक प्रोसेस प्लानिंग है, एक एग्रीगेट प्लानिंग है, एक ब्रेक इवन पॉइंट है, एक मटेरियल मैनेजमेंट है। इसी सबसे क्वेश्चन है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बोला है कि ऑपरेशन जनरेटेड फोरकास्ट के अंदर किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो भाई ऑपरेशन डिसाइड करना है तो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा है कि हम कितना इन्वेंट्री की जरूरत है, रिसोर्सेज नीड्स होगा, टाइम रिक्वायरमेंट होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्स की जरूरत नहीं है, यानी आप कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस समय सेल्स की जरूरत नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के लिए क्या चीज सही नहीं है। फोरकास्ट आर रियली परफेक्ट, हाँ फोरकास्ट कभी कभी सही हो सकता है, बात सही है। भविष्यवाणी किए था हमने, सबका भविष्यवाणी सही नहीं होगा यह चीज बोला गया है, रेयरली कभी कभी होगा। द अंडरलाइनिंग कॉजल सिस्टम विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर, ठीक है। फोरकास्ट फॉर ग्रुप ऑफ आइटम इज एक्यूरेट देन इंडिविजुअल आइटम, निश्चित है कि एक आइटम के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, बहुत लड़के के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत लड़के का फोरकास्टिंग कीजिएगा तो उसमें क्या हो सकता है, सत होने के ज़्यादा चांस है। जैसे रिजल्ट का फोरकास्टिंग कर दिया गया कि हाँ 80 से 90% रिजल्ट आ सकता है, लेकिन कोई लड़का हाँ 80% नंबर ला ले, ये फोरकास्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत सारे मटेरियल को एक साथ में फोरकास्टिंग करना सही होता है, ये सब ठीक है। तो मेरा इसके अनुसार ये गलत होगा। गलत क्यों है कि बोला कि कम रेंज का फोरकास्टिंग अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। ज्यादा समय का फोरकास्टिंग कीजिएगा तो वो सही हो सकता है, कम समय का फोरकास्टिंग कीजिएगा तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑफ फोरकास्टिंग इज लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग फोरकास्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फोरकास्टिंग टेक्निक, निम्नलिखित में कौन फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है। देखिए जजमेंटल टाइम सीरीज एसोसिएट ये वो फोरकास्टिंग टेक्निक होता है, टाइम होरिजन फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं होता है। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहाँ से फंसता है, आपके प्रीवियस में पूछे गए जजमेंटल किस पे वृत्त होता है, तो अगर बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट सो बेसिस ऑफ एक्सपर्ट, यानी आप अपने मार्केट में एक्सपर्ट भेजे थे उसके आधार पर भविष्यवाणी करते हैं तो क्या होता है, जजमेंटल होता है। और जनरली डेल्फी मेथड, कौन सा डेल्फी मेथड से किया जाता है, टाइम सीरीज यानी पहले के समय पर, यानी 2-4 साल पहले कितना बिक रहा था उसके आधार पर, एसोसिएटेड माने उससे रिलेटेड कोई भी वेरिएबल डेटा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है पास्ट पहले के समय के अनुसार फोरकास्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। अगर जो एक्सपर्ट गए थे मार्केट में उसके आधार पर फोरकास्टिंग करते हैं जजमेंटल, जो वेरिएबल उससे रिलेटेड है उसे फोरकास्टिंग करते क्या होता है, एसोसिएट। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक सब्जेक्ट इनपुट ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स आर एनालाइज। वही बात, जजमेंटल के अंदर विभिन्न सोर्स, जजमेंटल फोरकास्टिंग के अंदर जो आपका एक्सपर्ट था विभिन्न सोर्स को एनालिसिस करके क्या करता है, फोरकास्टिंग करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जजमेंटल। किस फोरकास्टिंग के अंदर डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पहले के समय के अंतराल पे पहले समय में कितना बीका था उसके आधार पर जो फोरकास्टिंग करते हैं क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। फिर है डेल्फी मेथड यूज कोड, अभी बताया कि डेल्फी मेथड के लिए क्या यूज करते हैं, जजमेंटल फोरकास्टिंग। अब जजमेंटल हो गया ना, जो पहले जो एक्सपर्ट थे विभिन्न पहलू पर अगर हम डिसाइड करके हम क्या कर रहे हैं भविष्य का फोरकास्टिंग करते हैं तो उसको जजमेंटल, जिसमें पहले के समय यानी पिछले साल 10 को बिका था, उसके पहले 8 को बिका था, तो इस साल 12 को बिकेगा, उसको टाइम सीरीज। समझ में आ रहा है ना। शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन रिलेटेड टू कैलेंडर और टाइम ऑफ डे इज नोन एज क्या, सीजनलिटी। यानी वही बात, इस शॉर्ट समय के लिए जो सामान बिकता होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीजनल। जैसे ठंडी के दिन में स्वेटर ज्यादा बिकेंगे, जैकेट ज्यादा बिकेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, सीजनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है द डिमांड फॉर पीरियड T2 एंड T1 इज 10 and 12। यानी जो डिमांड है T2 T-2 के लिए और T-4 के लिए 10 and 12 है, तो कॉजुअल एस्पेक्ट पर नेवी मेथड द डिमांड फॉर नेक्स्ट पीरियड कितना हो सकता है, तो 14 हो जाएगा। आपको मालूम है लीनियर ट्रेंड इक्वेशन हैज फॉर्मूला, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार रिपीट किया है कि एक लीनियर ट्रेंड इक्वेशन किसके रूप में होता है, तो A=A+BT, फोरकास्ट बराबर जो आता है ना F=A+BT। इफ द एक्चुअल डिमांड फॉर ए पीरियड कितना है, 100 है, मानते कि एक्चुअल डिमांड कितना था, 100 था, बट फोरकास्ट डिमांड कितना हो गया, 90 हो गया, तो फोरकास्टिंग में इरर कितना हो गया था, +10 का, यानी एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्ट कितना हो जाएगा, +10 का। अगर यही 100 रहा था और डिमांड कितना आ गया, फोरकास्ट डिमांड 110 किया तो माइनस में चला जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5M, यानी एम से शुरू होने वाले 5M जो 5 वर्ड है जिसको हमको जरूरत पड़ता है किसी भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर, उसमें मटेरियल होता है, मशीन होता है, मेथड होता है, मैन भी होता है, लेकिन मोशन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोशन। मोशन काउंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर कौन सा सीक्वेंस मेरा सही है, तो पहले रूटिंग करते हैं, फिर शेड्यूलिंग करते हैं, तब डिस्पैचिंग करते हैं, तब क्या होता है फॉलो अप। ये इक्वेशन आपको याद करके रखना है। हमको तो लगता है कि कल के एग्जाम में जो भी आपके फॉर्म के एग्जामिनेशन होंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन के अंदर से आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर रूटिंग। रूटिंग के लिए कौन सा सही है, तो इट इज फॉलो द वर्क ऑफ प्लान, ठीक है। रूट सीट इंक्लूड लिस्ट मशीन, ये भी ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी, सही है भाई, मटेरियल हैंडलिंग मालूम रहेगा तभी हम रूटीन डिसाइड कर सकते हो, ऑल ऑफ अबव मेरा करेक्ट आंसर होगा। लोडिंग में भी डिफाइंड है, लोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम वर्कपीस को क्या करते हैं, मशीन के ऊपर हम रखते हैं कि हाँ काम करने के लिए क्या है, स्टार्ट करो या इस पर काम स्टार्ट करो, उसको लोडिंग बोलते हैं। जैसे ऑपरेशन होने वाला होता है किसी भी इंसान का, तो हम लोग उसको मूर्छित उर्छित करके पूरा इथा उथा सुना के छोड़ देते हैं, तो वह क्या हो गया, लोडिंग हो गया, अब चीर फाड़ करो। तो उसी प्रकार अगर वर्कपीस को पूरा मशीन पर होल्ड होल्ड कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग का मतलब होता है कि अब काम करने के लिए क्या है, इस पर हम काम कर सकते हैं। साइन द वर्क टू बी फैसिलिटी, चलिए अच्छा है।
नीचे ब्रेक इवन का क्वेश्चन आने वाला है न्यूमेरिकल, उसको हम सोल्व करेंगे। डिस्पैचिंग ऑथराइज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन बाई, ठीक है ना। डिस्पैचिंग ऑथोराइज किससे स्टार्ट होता है, रिलीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल रिलीज करके, मटेरियल रिलीज फ्रॉम द प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। इश्यू ऑफ ड्रॉइंग इन इंस्ट्रक्शन शीट, बात सही है कि जब भी आपको डिस्पैचिंग देना था सारे इंफॉर्मेशन आप रिलीज कीजिएगा, तभी क्या होगा, स्टार्ट होगा था। ऑल ऑफ एबव सही है। अब बोला कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, तो आपको मालूम है कि जब हम किसी कंपनी से सामान मंगाते हैं तो बिल ऑफ मटेरियल होता है, सीरियल नंबर, पार्ट का नाम, कैट पीस मंगाए, तो ये सारा चीज मेंशन होता है, लेकिन उस पर एमआरपी नहीं लिखा रहता है, रुपया रुपया लिखा हुआ नहीं रहता है। तो बोला कि बिल ऑफ मटेरियल क्या रहता है, पार्ट नंबर क्या हुआ है, स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्ट यानी उस किसका बना हुआ है, नेम ऑफ द पार्ट रहेगा, प्राइस ऑफ द पार्ट बिल ऑफ मटेरियल पे नहीं रहता है। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि सामान को खरीदने का जो समय है वो सब, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है प्रोक्योरमेंट के अंदर, जो सामान परचेज किए उसमें कौन कौन समय होगा, रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल लाने में जो समय लगेगा, इंस्पेक्शन करने में जो लगेगा, इंस्पेक्शन ऑफ परचेज कंपोनेंट, तो इस सारा जो टाइम होगा प्रोक्योरमेंट के अंदर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है द ट्रांजिस्ट टाइम ऑफ कोशिश। ट्रांजिस्ट टाइम का मतलब होता है कि जब वर्कपीस को एक मशीन से दूसरी के मशीन पर ले जाते हैं तो उसके बीच का जो समय गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्ट टाइम, यानी एक मशीन से दूसरी के मशीन पर ले जाने के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्ट टाइम। तो बोला कि द टाइम कंज्यूम इन मूविंग द वर्क बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है भाई, एक डिपार्टमेंट से दूसरे के डिपार्टमेंट में ले जा रहे हैं वर्कपीस को, तो जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्ट टाइम। नेक्स्ट है मास्टर शेड्यूल इज प्रिपेयर। मास्टर शेड्यूल को कैसे तैयार किया जाता है, तो असेंबली प्रोडक्ट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में, हमेशा मास्टर लाइन किस में होता है, असेंबली लाइन बैलेंसिंग के अंदर होता है, तो असेंबली प्रोडक्ट के अंदर। Which of the following chart is drawn machine versus time? तो load chart जो होता है ना मशीन versus time के बीच खींचा जाता है, और एक grant chart पिछला बार पूछा था, grant chart is mostly used for कहाँ पे, scheduling के अंदर, grant chart कहाँ पे यूज होता है, scheduling के अंदर। देखिए पिछला बार का तीन क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था पिछले बार, किसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरियस सोर्स को एनालाइज करते हैं जजमेंट का, और फिर बोला डेल्फी मेथड वाला भी पिछले बार में पूछा हुआ था, ये सब क्वेश्चन हमेशा माइंड में रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, इसमें से ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी क्या किया है, पूछ लिया गया है, ग्रैंड चार्ट का भी क्वेश्चन पूछा गया था, रूटिंग होगा। की टू चार्ट, की टू चार्ट कहाँ पर प्रोवाइड करता है, ग्रैंड चार्ट के अंदर, इस साल ये सब चांस है पूछे जाने का, पिछले बार ग्रैंड चार्ट पूछा था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये सब है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज आर टाइप ऑफ, किसका, डिस्पैचिंग का। डिस्पैचिंग दो प्रकार का होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिस्पैचिंग, उसी का टाइप है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद है कि बीप, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बता दे, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये फिक्स कॉस्ट होता है, और दोनों को हम घींचते हैं तो वह क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है। ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। तो जहां पर टोटल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट, तो जहां पर टोटल रिवेन्यू है, टोटल टोटल रिवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट टोटल कॉस्ट के बराबर, एक्सपेंस के बराबर होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। याद करके रखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है,
टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंस, जहां पे हम कितना भी पैसा लगाए तो टोटल प्राप्ति के बराबर होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और बीईपी में क्वांटिटी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इस दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर पूछता है कि कुछ प्रॉफिट लेना है 10,000, 20,000, 30, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में पूछा भी था पिछले बार कि भाई बताइए कितना प्रोडक्ट हम सेल करेंगे कि इतना हजार प्रॉफिट हमको हो जाए, तो उसमें हम फिक्स कॉस्ट के साथ क्या करेंगे, प्रॉफिट जोड़ के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट होता है, यानी जहाँ पर नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा, यानी टोटल जो प्राप्ति होगा टोटल खर्चा के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल एक्सपेंस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डिपेंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या चीज पर डिपेंड होता है, पहला प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट, ठीक है, रेवेन्यू पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होगा सब पर डिपेंड करेगा। देर आर वेरियस मेथड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेक्ट, यानी किसको छोड़कर कौन मेथड है जिससे हम प्रोडक्शन के कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाइएगा, ठीक है, कॉस्ट कम होगा, नंबर ऑफ रिजेक्शन घटाइएगा तो अभी क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ए मेंटेनिंग मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री हम ज्यादा रख दिए, स्टॉक ज्यादा रख देंगे तो पैसा कम लगेगा, ये नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। प्रोडक्ट स्टैंडिंग, ठीक है। 28 नंबर, द फॉलोइंग एजुम्पशन आर मेड इन केस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कौन सा एजुम्पशन लेते हैं किसको छोड़कर जब बीईपी एनालिसिस करते हैं, तो कौन सा एजुम्पशन मानते हैं, तब मानते हैं कि पूरा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम सेल क्या होगा, इक्वल होगा, जितना प्रोडक्ट हम सामान मंगाए तो उतना बेचेंगे, ये भी आपको कॉन्स्टेंट रखना है। हर एक प्रोडक्ट जो बेचेगा सेम दाम पर बिकेगा तभी आप बीईपी निकाल सकते हो। आप अपने ही दोस्त को कम दाम पर दे रहे हो तो उसको तो आप काउंट नहीं करोगे। तो बोला कि बीईपी कब क्या एजुम्पशन है, तो मान लेते कि सभी प्रोडक्ट सेम दाम पर बेच रहे हैं, जितना रॉ मटेरियल मंगाए थे सबको फिनिश प्रोडक्ट में बदले थे, पूरा फिक्स कॉस्ट क्या था, हर एक महीना में कॉन्स्टेंट था, तभी तो बीईपी निकाल सकते हो ना। अब बोलो कि हाँ जनवरी में ज्यादा बिजली बिल आया, फरवरी में कम आया, मार्च में ज्यादा आया, तो इस सबको तो कंसीडर करते नहीं है। तो वही बोला कि बीईपी कब हम लोग बीईपी का जब एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन सा मेरा एजुम्पशन है कि ये वो छोड़कर, तो ये मेरा एजुम्पशन है सभी फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट का दाम सेम होना चाहिए, जितना सामान मंगाएंगे उतना बेचेंगे। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ टेन इंटरसेक्शन ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, टोटल आने वाला पैसा टोटल कॉस्ट के जहां पर कटता है उसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हम सेफ है, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि कितना प्रोडक्ट बेचे कि हम लॉस में नहीं जाए, तो इसके लिए एक्चुअल मानते हैं कि ब्रेक इवन 40,000 प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका नहीं प्रॉफिट होता नहीं लॉस होता, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है, 40,000। अगर आप 50,000 बेचे तो कितना सेफ है आप, तो बोलोगे 10,000, तो वही होता है एक्चुअल सेल माइनस सेल साइज ब्रेक इवन पॉइंट। गला फंसा हुआ है थोड़ा, साउंड दिक्कत हो रहा होगा। टू इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉलोइंग मेजरमेंट कैन बी टेकन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कौन कौन मेजरमेंट लेना है, तो इंक्रीज द सेल प्राइस, ठीक है, पैसा ज्यादा बढ़ा दो मार्जिन सेफ्टी हो जाएगा, इंक्रीज द आउटपुट बढ़ा दो, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को कम करो, मार्जिन सेफ्टी इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल एट टोटल रेवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन, सही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अभी बताया कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है
सेल ऊपर वाला बस नीचे वाला फॉर्मूला का, तो बीईपी जो निकाल रहे थे ना, टोटल फिक्स कॉस्ट बटा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बटा कभी कभी टोटल फिक्स कॉस्ट बटा तुमको क्या मिल सकता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल सकता है। तो इसी को इसमें से घटाया कर हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं। तो अगर कंट्रीब्यूशन दे दिया तो बस अब दोनों के बदले कंट्रीब्यूशन आगे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अभी फिर बता भी रहे थे कि टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू हैव डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लेना है जैसे 40 से 50 का प्रॉफिट के लिए कितना प्रोडक्ट चाहिए, हम ऊपर क्या करते थे फिक्स कॉस्ट और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं, नीचे क्या लग दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला ना आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कि प्रॉफिट कमाने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये एन इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है ना 10 रुपया है सेलिंग प्राइस, और फिक्स कॉस्ट कितना है 40,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपया, तो कितना यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट, तो बीईपी का फॉर्मूला लगा दो, टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000 बटा सेलिंग प्राइस 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया, तो 40,000 बटा 4, 10,000 प्रोडक्ट बेचिएगा तो आपका क्या होगा, नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर यही में बोलता कि 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना प्रोडक्ट होता था, इसमें 10,000 जोड़ लेते, नेक्स्ट है द डेटा फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट फ्लो, कुछ डेटा दिया इंडस्ट्री के लिए, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 20,000 रुपया, ठीक है, सेल पर यूनिट 8 रुपया दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन फॉर 6,000 प्रोडक्ट के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है 12,000, तो 1,000 प्रोडक्ट के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2 रुपया, आपको ब्रेक इवन वॉल्यूम निकालना है, तो बीईपी का फॉर्मूला लिखाए थे, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000, अब बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पर 2 रुपया ही तो रख दो ना, 10,000 प्रोडक्ट आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत कहाँ है, तो 6,000 का दिया है भैया, तो हमको कितने का रखना है, एक ही का रखना है ना। नेक्स्ट है एग्रीगेट प्लानिंग ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट शेड्यूलिंग, एग्रीगेट प्लानिंग को हम लोग एग्रीगेट शेड्यूलिंग कहते हैं, कंसर्ट विद डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्लानिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो यह भी पूछा जा सकता है, कितना हम क्वांटिटी और कितना समय लगेगा प्रोडक्शन को तैयार करने में यूज के लिए करते हैं, तो ये क्या है शॉर्ट टर्म है कि मीडियम टर्म है कि इंटरमीडिएट, ये मीडियम टर्म का प्लानिंग होता है लगभग 3 से 18 माह, सबसे पूछे तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कितने टर्म का है, तो मीडियम का कितने महीना यूज होता है, तो लगभग 3 से 18 महीना का हम प्लानिंग करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया था लाइन से, ऊपर वाला भी पूछा हुआ है, ये है द ओवरऑल प्रोडक्शन रेट ऑफ असेंबली लाइन, पूरा ओवरऑल क्या बताता है, स्लोएस्ट एसेसेस टाइम से निकाल सकते हैं। फिर लास्ट ए प्रोडक्शन लाइन इज सेट टू बी बैलेंस, प्रोडक्शन लाइन बैलेंस कब पाएगा, तो सभी मशीन द्वारा सेम समय लिया जाता है, डिफिनेशन में लिखा है तो पूरा, अगर सभी समय के द्वारा सभी मशीन के द्वारा सेम समय लिया जाएगा तो उसको प्रोडक्शन लाइन बैलेंस कहेंगे। जैसे ये मशीन है, 2 मशीन है 3 मशीन है, एक प्रोडक्ट यहाँ से भेजते हैं, यह भी 5 मिनट में कर रहा है, यह भी 5 मिनट में करेगा, यह भी 5 मिनट में करेगा, तब तो ये इस पर जाएगा, तब तक फिर वो इस पर जाएगा, तो ये 5 मिनट में कंप्लीट कर लेगा तब तो दूसरा प्रोडक्ट आएगा ना, तो इसको बोलते हैं बैलेंस। अगर ये 8 मिनट ले रहा है तो 5 मिनट में करके दिया तो यहाँ पर तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉक जमा हो जाएगा, तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो ये हम क्वेश्चन का सीरीज लेके आए थे आपके लिए प्रीप, जो हमने तैयार किया है SVT के पैटर्न पे, कल हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो SVT ने ऑलरेडी एग्जाम के
एक्चुअल क्वेश्चन को आपको दिखा देंगे और देखिएगा कि इसी क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन उसमें रहेगा। और आपके फाइनल एग्जाम भी होंगे जो अभी दीजिएगा आप लोग 24 में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।